हम सब मिलके इस रूल ऑफ लॉ के लिए जंग नहीं लड़ेंगे, ये जहाद है। इंसाफ के लिए तो सारे अल्लाह के पैगंबरों ने हुक्म दिया था। ये जहाद का कॉन्सेप्ट क्या है? जहाद का हर कोई जहाद जहाद कहता है, जहाद की सबसे बड़ी चीज है ना इंसाफी, जुल्म का मुकाबला करना जहाद है। हजरत अली का कॉल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन ना इंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, इसलिए पाकिस्तान का निजाम नहीं चल रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया मदीना में। हजरत अबू बकर खलीफा बने, उनकी पहली स्टेटमेंट सुन कि कमजोर और ताकतवर को मैं कानून के सामने एक बराबर करूंगा, इंसाफ कायम करूंगा। हजरत उमर खलीफा बने, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं इंसाफ कायम करूंगा। हजरत अली की पहली स्टेटमेंट पढ़ लें, इंसाफ कायम करूंगा। ये अब पाकिस्तान जिधर आके खड़ा हो गया, अल्लाह ने हमें चैलेंज कर दिया, या तबाह हो या अपने आप अपनी इस्लाह करो, या इस मुल्क पर इंसाफ का निजाम लेके आओ, रूल ऑफ लॉ, नहीं तो बर्बादी है तुम्हारी।